हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाट्रोब यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी लोकेशंस के बारे में, इसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में, एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि आपको ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इसके कैंपसेस से। सबसे पहले जो इसके मेलबर्न में आपको दो कैंपस मिल जाते हैं, इसका जो मेन कैंपस है वो बंडूरा कैंपस है, और इसका जो सिटी वाला कैंपस है वो मेलबर्न सीबीडी वाला कॉलेज स्ट्रीट वाला कैंपस है। इसके अलावा रीजनल विक्टोरिया में इसके चार कैंपसेस हैं, जैसे कि मिल्डोरा, बेंडिगो, शेपर्टन एंड वुडोंगा में। इसके अलावा इसका जो लास्ट कैंपस है वो सिडनी में है। तो आपको टोटल 7 कैंपसेस मिल जाते हैं, जिसमें से 6 कैंपसेस इसके विक्टोरिया में है और एक न्यू साउथ वेल्स में है। तो लेट्स मूव ऑन टू एडमिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाट्रोब यूनिवर्सिटी। अगर आप इसमें यूजी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके जो 12th ग्रेड में है 70% मार्क्स होने चाहिए। इससे कोई मैटर नहीं करता कि आपने जो अपनी 12th है सीबीएसई बोर्ड से की हुई है या स्टेट बोर्ड से की हुई है। इसके अलावा अगर आप पीजी प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि मास्टर डिग्री या ग्रेजुएट डिप्लोमा में, तो आपकी जो ग्रेजुएशन है आपके 55-60% मार्क्स होने चाहिए। इफ़ वी टॉक अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, तो आप अगर आयल्स से अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूजी प्रोग्राम के लिए आपके आयल्स में 6 each and 6 ओवरऑल होने चाहिए, एंड पीटी में आपके जो है 46 ओवरऑल, नॉट लेस देन 46 होने चाहिए। देन अगर आप पीजी प्रोग्राम्स में आयल्स से एडमिशन लेना चाहते हैं तो 6.5 ओवरऑल, नॉट लेस देन 6, एंड अगर आप पीटी से अप्लाई करना चाहते हैं तो 56 ओवरऑल, नॉट लेस देन 46। यहाँ पे जो गैप एक्सेप्टेड है वो ओनली 2 ईयर्स है फॉर 12 स्टूडेंट्स, यानी कि अगर आप 2023 इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ओनली 21 और 22 वाले स्टूडेंट ही एक्सेप्टेड होंगे। अगर आप पीजी प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 10 से 11 साल का गैप भी चल जाएगा विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन, जैसे कि आपको सैलरी स्लिप्स एंड सैलरी क्रेडिट एंड वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी ITR वगैरह अटैच करनी होती है। नाउ वी टॉक अबाउट कि यहाँ पे कितने बैकलॉग्स एक्सेप्टेड हैं। यहाँ पे टोटल 10 से 15 बैकलॉग्स एक्सेप्टेड हैं फॉर मास्टर प्रोग्राम्स। अगर आप कंडीशनल ऑफर लेटर की बात करते हैं तो आप यहाँ पे कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हैं, एंड इसके बाद आपको अपनी GT क्लियर करनी होती है फॉर वीजा लॉजमेंट एंड टू ऑब्टेन COE। इसके अलावा यहाँ पे न्यूज बोर्ड या ओपन बोर्ड एक्सेप्टेड नहीं है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू ऑफर लेटर फीस, जहाँ की जो ऑफर लेटर है वो बिल्कुल फ्री है, सो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू गेट ऑफर लेटर। सो जो ऑफर लेटर की टाइमलाइन है वो 1 से 2 वीक्स है, यानी कि 1-2 वीक्स में आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। अगर हम ट्यूशन फीस की बात करते हैं तो अगर आप बैचलर डिग्रीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो ट्यूशन फीस है वो 32,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेके 37,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में रेंज करती है फॉर 1 ईयर, यानी कि जो आपको सेमेस्टर की फीस पे करनी होती है 16,000 से 17,000 होती है। और अगर आप मास्टर डिग्रीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आपकी 1 साल की फीस है वो 34,000 से लेके 40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अप टू 25% स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया एंड एडमिशन रिक्वायरमेंट कि आप क्या क्या एडमिशन रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हो और आपके प्रीवियस ग्रेड्स क्या हैं। अगर हम मेलबर्न एंड सिडनी के लिविंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो दोनों ही मेट्रो सिटीज़ हैं और यहाँ के जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो 9,000 से 10,000 पर ईयर है। यहाँ पे अगर हम टोटल प्रोग्राम्स की बात करते हैं लाट्रोब यूनिवर्सिटी में, तो आपको टोटल 150 से ज़्यादा प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको यूजी डिप्लोमा, बैचलर डिग्रीज, मास्टर डिग्रीज एंड ग्रेजुएट डिप्लोमास मिल जाते हैं। आपको सभी ही फील्ड में, जैसे कि आर्ट्स, बिजनेस, एजुकेशन, टीचिंग, हेल्थ, IT एंड इंजीनियरिंग, लॉ एंड साइंस के प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। अगर हम बैचलर डिग्री में पॉपुलर प्रोग्राम्स की बात करें जो कि इंडियन स्टूडेंट्स में बहुत ही पॉपुलर है, तो आपको बैचलर ऑफ अकाउंटिंग, BBA, BA, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड सिविल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्रीज मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप मास्टर डिग्री की बात करें जो कि इंडियन स्टूडेंट्स में बहुत ही पॉपुलर है, तो आपको MBA, MPA यानी कि मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग, मार्केटिंग, मास्टर्स इन डेटा साइंस, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, मास्टर्स इन नर्सिंग, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, साइकोलॉजी एंड टीचिंग की डिग्रीज मिल जाती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि व्हाई यू शुड चूज लाट्रोब यूनिवर्सिटी। सबसे बड़ा जो इसका रीजन है वो ये है कि ये पूरी तरह से पब्लिक यूनिवर्सिटी है और असेसमेंट लेवल 1 में आती है, जिसके कारण जो इसका वीजा सक्सेस रेट है वो काफ़ी हाई है। इसकी लोकेशंस काफ़ी अच्छी हैं, आपको मेलबर्न CBD में भी इसका कैंपस मिल जाता है, सिडनी CBD में भी इसका कैंपस मिल जाता है। इसके अलावा इसका जो बंडूरा वाला मेन कैंपस है, मेलबर्न बंडूरा नॉर्दर्न स्पर्स वाला, वो 660 एकर्स का बना हुआ है, जिसमें आपको इंडोर पूल, जिम, प्लेइंग फील्ड एंड इंडोर स्टेडियम मिल जाता है। यहाँ पे आपको मॉडर्न क्लासरूम्स मिल जाते हैं। यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट रेशो है काफ़ी हाई है आफ्टर योर ग्रेजुएशन। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है मेलबर्न में वाइल यू आर ए स्टूडेंट काफ़ी अच्छी हैं, जैसे कि आपको वेयर हाउस, टैक्सी, स्कूबर एंड अदर रेस्टोरेंट्स में जॉब्स मिल जाती हैं। इसके अलावा डिलीवरीज की काफ़ी जॉब्स अवेलेबल हैं। सबसे बड़ा रीजन टू चूज मेलबर्न सिटी फॉर योर हायर स्टडीज इज डैट कि मेलबर्न सिटी को
मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिल चुका है फॉर मेनी ईयर्स। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, जैसे कि फिलिप आइलैंड, माउंट डैंडीनोंग एंड ग्रेट ओशियन रोड। यहाँ पे आपको मल्टी क्यूजिन्स मिल जाते हैं, हर तरह के रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं जैसे कि इटालियन, चाइनीज एंड इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ पे आपको मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट मिलता है। इसके अलावा मेलबर्न का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे आपको बसेस, ट्रेन्स एंड ट्रैम्स मिल जाते हैं। आप एक ही टिकट के साथ इन तीनों में ट्रैवल कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अपना ऑफर लेटर अप्लाई करना है तो आप हमें दिए गए नंबर या ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you in the next video.